सोयाबीन की कीमतों में लगातार अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, चाहे घरेलू बाजार हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार, सोयाबीन की मांग में तेजी बनी हुई है। सोयाबीन की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। सोयाबीन की मांग के मुकाबले आपूर्ति काफी कम है, जिससे दामों में लगातार उछाल जारी है। अमेरिका में गेहूं और मक्के की कीमतों में जोरदार उछाल जारी है, जिससे सोयाबीन को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और इसकी कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं घरेलू बाजार में किसानों ने महंगा बीज खरीद कर सोयाबीन की बुआई की थी, लेकिन सीजन के शुरुआत में किसानों को अच्छे दाम ना मिलने के चलते अब उन्होंने सोयाबीन को स्टॉक करना शुरू कर दिया है, जिससे मंडियों में सोयाबीन की आवकों में कमी दर्ज की गई है। जितनी भी सोयाबीन मौजूदा समय में मंडियों में आ रही है, उनकी ऊंची दरों पर खरीद की जा रही है, क्योंकि सोयाबीन की मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम। दूसरा, अगर प्लांटों ने सोयाबीन की खरीद नहीं की तो उनके प्लांटों पर ताला लग सकता है, इसीलिए उन्हें ऊंचे दामों पर खरीद करनी पड़ रही है। किसानों ने 10,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बीज खरीदा था, अगर किसानों को अभी 7,000 से या 8,000 तक के भी भाव मिल जाते हैं तो उनकी लागत तब भी नहीं निकल पाएगी। इसमें किसानों की भी कोई गलती नहीं है, अब सरकार को ही इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं और किसानों दोनों को फायदा पहुंचे। वहीं ज्यादातर किसान मंडियों में ऊंची कीमतें होने के बावजूद भी सोयाबीन बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि मौजूदा कीमतें लागत से अभी भी काफी कम ही हैं और वे इसकी बिकवाली की जगह इसके भंडारण पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसानों को पूरी पूरी उम्मीद है कि उन्हें आगे सोयाबीन के दाम 12,000 से अधिक मिल सकते हैं, इसलिए स्टॉक करके चल रहे हैं। वहीं जानकारों के अनुसार किसानों को अभी सोयाबीन स्टॉक करके चलने में ही फायदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।